साथियों नमस्कार, मैं हूं अमर प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और रायबरेली में पहले चरण में 15 तारीख को वोटिंग होगी। लगातार उसके लिए ग्राम पंचायत और जो क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार हैं वो लगातार ब्लॉक परिसरों में जा रहे हैं, ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर के पर्चा खरीद रहे हैं, लेकिन वहां पर कोविड-19 का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका कोई पालन ब्लॉक में जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से, यहां पर बोर्ड तो लगा दिया गया है, आपको देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि लोग मास्क लगा करके ही यहां आएं, लेकिन आप देख सकते हैं यहां कितने लोग मास्क लगाए हैं, यहां पर कोई देखने वाला नहीं है। लगातार जो ब्लॉक प्रशासन है, लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो कहता है कि लगातार पालन करवाया जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर किसी प्रकार भी कोविड-19 का पालन नहीं करा है। पूरे देश में एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन रायबरेली में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार जो प्रत्याशी है वो बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर का उपयोग किए यहां पर मौजूद है और पर्चे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन सलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, एसके इंडिया न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और रायबरेली में पहले चरण में 15 तारीख को वोटिंग होनी है, उसको लेकर के लगातार प्रशासन तैयारियां कर रखा है और लगातार जो पर्चे बिक्री का आज लास्ट दिन है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये देखिए लगातार जो यहां पर जो पटल बने हुए हैं वहां पर पर्चे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कोविड-19 का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि कोविड-19 का पालन कराया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी केवल यहां बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं जो काउंटर है उसके बाहर, लेकिन कहीं से भी प्रशासन की तरफ से कोई भी तत्परता नहीं दिखाई जा रही है। कोविड-19 का पालन कहीं से नहीं कराया जा रहा है और लगातार प्रशासन केवल पोस्टर चिपका के ही बाहर कोविड-19 का पालन करवा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे आप देख सकते हैं, कंपर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, जितने काउंटर लगे हुए हैं सब पे ज़्यादातर कर्मचारी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो यहाँ पर पर्चे खरीदने वाले उम्मीदवार हैं वो तो बिना मास्क के आ ही रहे हैं। लगा हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं करवाया जा रहा है पोलिंग। सर आपका क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कोविड-19, हाँ, कोविड-19 के लिए देखिए सारे जगह पर सारे कोविड-19 के लिए सब लोगों को जागृत किया गया है। सारे हमारे जितने आरओज बैठे सब लोग बैठे बाकायदा उसका मास्क लगा करके और सारी चीज़ें लोगों को बराबर उनको निर्देशित किया जा रहा है और सैनिटाइजर वगैरह लेकर के सबको किया गया है, सारा पालन किया जा रहा है। लेकिन आप बाहर के कुछ ऐसे जो लोग खरीदारी से अतिरिक्त भी लोग हैं उनको भी अभी व्यवस्थित करके अपना करा देंगे। ये जो यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं कोविड-19 को लेकर के अपने जो बात है उससे गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि पूरे देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी उसको हल्के में ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, एसके इंडिया न्यूज, रायबरेली। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज, साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आप तक।